नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 10th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर चल रहा था, कौन सा चैप्टर? 8 नंबर चैप्टर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने कार्बन के बारे में नॉर्मली जो हमारे सामान्य लक्षण थे वो हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपके हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब देखो, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण एक इसको आरेख के द्वारा समझेंगे सारी प्रोसेस को, जिससे कि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इससे वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब देखो, दो प्रकार के किस आधार पर हो सकते हैं? एक तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसकी, मान लो ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में होता है, ठीक है। और एक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार का होता है, ये लो कार्बन इससे जोड़ दिया, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे और ये इससे जोड़ दिया। तो ये तो है आपके अचक्रिय, और ये संरचना कैसी है? चक्रिय, मतलब एक चक्र के रूप में कार्बन की व्यवस्था, कार्बन श्रृंखला के रूप में एक चक्र के रूप में जुड़ जाता है, वो चक्रिय संरचना। और ये कौन सी हो जाएगी? अचक्रिय। तो कार्बन हाइड्रोकार्बन होते वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा आपका अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। कौन सा हो जाएगा? अचक्रिय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा जो सेकंड नंबर होगा, वो सेकंड नंबर कौन सा होगा आपके? चक्रिय हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चक्रिय हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार हो गए, एक तो हो जाएगा आपके चक्रिय हाइड्रोकार्बन, एक हो जाएगा अचक्रिय हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अचक्रिय और चक्रिय हाइड्रोकार्बन। अब देखो, जो आपके ये अचक्रिय हाइड्रोकार्बन है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक ध्यान में रखना, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहले ले लेते हैं संतृप्त। एक तो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो, अभी यहाँ पे बात करेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है इसको एक बार छोड़ देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ध्यान रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है, वो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं आपके? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन आपके भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार से कौन कौन से होते हैं उसमें ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा आपके एल्किन का, एक कौन सा हो जाएगा? एल्किन। और इसके अलावा एक हो जाएगा आपके एल्काइन का। कौन सा हो जाएगा? एल्काइन का। अब देखो, जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसे एल्केन भी कह सकते हैं, एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी कह सकते हैं? एल्केन श्रेणी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एल्किन और एल्काइन, ठीक है। अब देखो, इसमें एल्किन और एल्काइन से यहाँ पे मतलब क्या है? तो एल्किन से यह मतलब है, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन होगा, कार्बन 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 के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा आपके? द्विबंध पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, द्विबंध, डबल बॉन्ड, DOUBLE, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा आपके? द्विबंध। जैसे कि यहाँ पे एल्केन है, एल्केन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, वो पाया जाता है। जैसे कि ये कार्बन है, सब कार्बनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा आपके यहाँ पे? एकल बंध है, एकल बंध, ठीक है। ये भी बॉन्ड कौन सा आपके? एकल बंध होगा। ये भी बॉन्ड कौन सा होगा आपके? एकल बंध होगा, ठीक है। जबकि एल्किन में क्या होगा कि जो कार्बन होगा उस कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ये लो, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे,
ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, यहाँ पे द्विबंध पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, ये यहाँ पर भी द्विबंध है। तो इस प्रकार का जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो कौन सी कहलाती है, एल्किन श्रृंखला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है एल्काइन, कौन सा है एल्काइन। तो इसमें ध्यान रखना कि कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य आपके त्रिबंध पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, त्रिबंध, जिसे कहते हैं ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे कि जो एल्काइन है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा, त्रिबंध होगा, इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना। जस्ट मैं एक एग्जांपल शॉर्ट में समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन आपके इस कार्बन से त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो एक बंध, ये दो और तीन, कितने बंध हो गए, तीन बंध हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना जो तीन बंध है उनमें से एक बंध तो सिग्मा बंध होता है, सिंगल जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं सिग्मा बंध, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये सिंगल बंध है, इसको कहते हैं सिग्मा बंध, ये भी सिंगल है तो इसे कहते हैं सिग्मा बंध। जबकि इसके अलावा एक और लाइन आती है, मतलब डबल बॉन्ड बनते ही जो बंध आता है वो कौन सा हो जाता है, पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बंध की संख्या कितनी, दो, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, जबकि बीच वाला कौन सा हो जाएगा, सिंगल बंध हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये लो सिग्मा हो गया। जबकि जैसे कि ये सिंगल है, सिंगल आते इसे बोलते हैं सिग्मा, अगर पाई ये आपकी डबल बॉन्ड आ जाए तो इसमें से एक सिंगल एक क्या हो जाएगा, पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसमें से दो पाई हो जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले पाई बॉन्ड, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने प्रकार की, दो, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, जबकि असंतृप्त में होता है ये आपके दो प्रकार का, एल्किन और एल्काइन, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य आपके द्वि ये त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। एल्किन में तो डबल बॉन्ड, एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब देखो बात करें कि इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये तो है एल्केन, ये एल्किन, ये एल्काइन, तो इनके सामान्य सूत्र की यहाँ पे बात करो कि सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र ध्यान रखना इसका होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र आपके CnH2n+2, CnH2n+2, जबकि जो एल्किन होता है, इस एल्किन का ध्यान रखना यहाँ पे सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n2, इसका हो जाएगा CnH2n, क्या हो जाएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र हो जाएगा आपके CnH2n। जबकि एल्काइन है, इस एल्काइन का यहाँ पे सामान्य सूत्र होगा वो हो जाएगा आपके CnH2n-2, क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अब देखो यहाँ पे N आ रहा है सब जगह, है ना, यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है, और यहाँ पर भी N है, तो यहाँ पे N से क्या मतलब है, तो N से ध्यान रखना यहाँ पे N से जो मतलब है वो है N बराबर आपके नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, किसकी संख्या, कार्बन की संख्या, कि कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पे जिसकी सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2, अगर हमें कार्बन की संख्या दे दे, मान लो पाँच, कार्बन की संख्या कितनी है, पाँच, ठीक है, ये कार्बन बराबर कितने आपके, पाँच, तो यहाँ पे CnS, N की जगह क्या लिखूँगा मैं, 5 लिखूँगा, ये लो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक बार क्लीन कर देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे CN, सी की N की जगह मेरे पास क्या, पाँच, आगे क्या H, ये लो H लगा दिया, फिर आगे क्या है 2, ये लो 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई में क्या है इसके N, ये लो N की जगह क्या रखना है, 5, और प्लस में क्या आपके 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C5H, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 10 10+2 कितने, 12, तो यहाँ पे C5H12 है। ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5, अगर कार्बन एक होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मेथ, 2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप, 3 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर कार्बन एक है तो उसे मेथ, अगर कार्बन दो है तो उसे क्या बोलते हैं, एथ,
कार्बन तीन है तो उसे क्या बोलते हैं प्रोप, कार्बन चार है तो इसे क्या बोलते हैं ब्यूट, कार्बन पाँच है तो उसे क्या बोलते हैं पेंट, कार्बन छः है तो उसे क्या बोलते हैं हेक्स, कार्बन सेवन है तो उसे क्या बोलते हैं हेप्ट, कार्बन की संख्या आठ है तो उसे क्या बोलते हैं ऑक्ट, और कार्बन की संख्या नौ है तो उसे क्या बोलते हैं नॉन, और कार्बन की संख्या दस है तो उसे क्या बोलते हैं डेक। ठीक है, अब देखो कार्बन एक है मेथ, कार्बन दो को एथ, कार्बन तीन को प्रोप, कार्बन चार को ब्यूट, कार्बन पाँच को पेंट। अब देखो कार्बन पाँच है यहाँ पे पेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम, एक बार आप ध्यान रखना इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अभी इसकी बात करेंगे ये किस प्रकार जुड़ा है, ठीक है, नामकरण के आगे बात करेंगे, तो उसमें नामकरण पढ़ेंगे। अब देखो सामान्य सूत्र, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सामान्य सूत्र के कौन सा किसका होता है, ठीक है। एग्जाम में कभी एक नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र लिखे, या आपको दे देगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र लिखे, या एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखे। तो सामान्य सूत्र की जब भी बात हो तो ये आपको ये फॉर्मूला लिखना है सब में, ठीक है। अब किसका पूछते, अगर आपको एल्किन का पूछे तो आपको CnH2n करना है, ये सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछे तो क्या करना है, CnH2n+2 करना है, और एल्काइन के सामान्य सूत्र की बात हो तो वहाँ पे क्या करना है, CnH2n-2 करना है, ठीक है। अब बात करें कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है आपके एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है आपकी एलिसाइक्लिक और एक होता है आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपकी एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। अब देखो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि ये जलते नहीं है, जलते नहीं है, जबकि इनको एरोमेटिक को जलाने पर ये काला धुआं देते। कैसा धुआं? जलाने पर काला धुआं देते, और ये जलते भी है तो आपके कैसा धुआं देंगे? सफ़ेद धुआं देंगे। कैसे धुआं देंगे? सफ़ेद धुआं देंगे, या बिना ज्वाला के साथ में जलते हैं, ठीक है। और इनको जलाने पर ये कैसा धुआं देते? काला धुआं देते, एरोमेटिक। अब देखो एलिसाइक्लिक का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि ये मैं आपको सामने उदाहरण दर्शा रहा हूँ, यहाँ पे एक इस उदाहरण को देखो आप, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। अब देखो हेक्सेन मतलब क्या हो गया, कार्बन की संख्या कितने आपके? छः कार्बन, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो यहाँ पे कार्बन सिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा था हेक्स बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सब में क्या लगता है? एन लगता है, तो ये तो बन गया आपके हेक्सेन। क्या बन गया? हेक्सेन। अगर देखो ये सारी श्रृंखला किस रूप में, आपके चक्रीय संरचना के रूप में, एक चक्र के रूप में है ना, तो इसे के पहले क्या लगता है आपके? साइक्लो लगता है। क्या लगता है? साइक्लो लगता है। बात क्लियर है? अब देखो एरोमेटिक जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें ध्यान रखना एकांतर क्रम में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड किस प्रकार से होता है उस बात को देखो यहाँ पे, जैसे कि आपके सामने ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये, अगर इस तरह से देखो इसको तो ये और ये क्या है? सेम है। अगर मैं इसमें एक बंद को छोड़कर एक में डबल बॉन्ड कर दूं, ये लो मैंने इसको छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसको छोड़ के मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक का क्या जुड़ जाएगा आपके? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये संरचना किसकी होती है? बेंजीन की संरचना। किसकी संरचना? बेंजीन की संरचना। या फिर मैं इस संरचना को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार से दर्शा दिया, और एक छोड़ के मैंने एक को क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे, ये लो आपकी संरचना बन गई है। किसकी संरचना? आपके बेंजीन की। तो बेंजीन के आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको जलाने पर काला धुआं देते हैं, जबकि एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं ये जलते नहीं है, जलते भी है तो बिना ज्वाला के साथ में जलते हैं, ठीक है। और इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा आपके? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हो गया कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ध्यान रखना, चक्रीय, एक कौन से हो गए आपके? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। इन बातों को आप यहाँ पे नोट कर लेना, और इनके सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र आप यहाँ पे ध्यान में रखना, विशेषकर सामान्य सूत्र एग्जाम में जरूर पूछता है। अब देखो यहाँ पे
नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या करते हैं कि कोई बच्चे डायरेक्ट आईयूपीएसी पद्धति में चले जाते हैं। डायरेक्ट आपको आईयूपीएसी पद्धति में नहीं जाना है, उससे पहले और कुछ जो आपके पद्धतियाँ उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन पद्धतियों से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फॉर्मूला दे देगा, उसका रोड नाम पूछ ले जाएगा, उसका आईयूपीएसी नामकरण नहीं पूछता कभी कभी, ठीक है। तो इससे पहले कुछ इन बातों का आप ध्यान में रखना। यहाँ पे ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका नामकरण क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण तीन पद्धति के अनुसार किया जाता है, तीन पद्धतियों में, ठीक है। सबसे पहले रूट पद्धति आई। रूट मतलब जिस क्षेत्र से प्राप्त हुआ उसी क्षेत्र के आधार पर उनका नामकरण रख दिया। सेकेंड नंबर होती है आपके व्युत्पन्न पद्धति, और थर्ड नंबर होती है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी का मतलब पूरा नाम है आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूड पद्धति देखते हैं कि रूड पद्धति में किसी यौगिकों का नामकरण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपके रूड पद्धति, देखो रूड पद्धति में अगर CH4 का नाम पूछे तो ऐसे तो मेथेन होता है, पर रूड पद्धति में इसका नाम क्या है, मार्स गैस, ठीक है। कौन सा गैस, मार्स गैस। देखो मैं से मेथेन होता है, इसका तो नाम आईयूपीएसी में मेथेन होता है, और ऐसे नाम देखे तो मार्स, तो मैं से मेथेन और मैं से मार्स, ठीक है, याद रहेगा यहाँ पे। और ये किससे प्राप्त होता है, दलदल क्षेत्र से, या आप देखते होंगे कि धान वगैरह जो कीचड़ वाले क्षेत्र में उगाते हैं तो वहाँ पे जो गैस बनती है वो कौन सी होती है, आपके CH4। इसके अलावा जो पशु जानवर जुगाली करते हैं, जो भी चारा चढ़ने के बाद में आप देखते होंगे जब वो फ्री टाइम बैठे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मुँह से जुगाली करते हैं, मतलब वापस भोजन की क्या करते हैं, जुगाली, उसको पचाते हैं, ठीक है। तो उसके मुँह से कौन सी गैस निकलती है, आपकी CH4, जिसे मेथेन कहते हैं। इसके अलावा CH3OH, ऐसे तो इसका नाम है मेथेनॉल, क्या नाम है, मेथेनॉल, ठीक है। और रूड पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, कास्ट स्प्रिट, क्या हो जाएगा, कास्ट स्प्रिट। आपने देखा होगा कि लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उसके पीछे कुछ वाष्प निकलती रहती है ना, पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है लकड़ी की पीछे वाले हिस्से पे। आगे से हम उसको जलाते हैं तब पीछे वाले हिस्से पे हम देखते हैं कि उस पे वाष्प की बूंदें दिखाई देती है, वो किसके होती है, आपके इस कास्ट स्प्रिट CH3OH की होती है, लकड़ी के बंधन के आसवन से प्राप्त होती है, ठीक है। या फिर आप जो बुरादा होता है उसको निकलने वाली गैस बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपके CH3COOH, एसिटिक अम्ल, और ऐसे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपके मेथेनोइक अम्ल, कौन सा हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और ये मेथेनोइक अम्ल किससे प्राप्त होता है, आपके ध्यान रखना, सिरके से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सिरके से। आपको याद क्या रखना है, ए है यहाँ पे और इधर क्या है, सी, तो आपको याद ये क्या रखना है, एसी, क्या याद में रखना है, एसी, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, ठीक है। तो ए से हो जाएगा एसिटिक अम्ल, और सी से क्या हो जाएगा, सिरका, तो सिरके से प्राप्त होता है। अगला आपके फॉर्मिक अम्ल, ये कौन सा है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल है, तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो मेथेनोइक होगा यहाँ पे एथेनोइक अम्ल होगा ये, ठीक है। कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपके एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये, और ये अम्ल हो जाएगा आपके कौन सा, मेथेनोइक हो जाएगा, मेथेनोइक, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल कह सकते हैं, ठीक है। ये किससे प्राप्त होता है, चींटी के डंग, चींटी कभी भी डंग मारती तो आपको जलन का अभाव होता है, अम्ल है तो उसमें सारे अभिरंजकों का या सारे पदार्थों का प्रयोग करने पे वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सी कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा है, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, इधर क्या एल्कोहल समूह OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, मेथेन समूह है, और इधर क्या हाइड्रोजन है, तो इसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल, क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, दूध से। तो आपको ये रूट पद्धति में नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कभी एग्जाम में पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछेगा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, या फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपको ये फॉर्मूला देगा और इसका नाम पूछेगा, या फिर ऐसा पूछेगा कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लकड़ी के बंधन के आसवन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, और दलदल से फिर जो प्राप्त होने वाली गैस है वो कौन सी है,
तो इस प्रकार से आपको इनको याद करना है, ठीक है। तो आज हमने ये रूट पद्धति देखी। सेकंड जो हमारा पोर्शन होगा, नेक्स्ट पोर्शन, उसमें हम व्युत्पन्न पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और आयुपीएसी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने ध्यान रखना, आप एक तो सामान्य सूत्र याद कर लो, सामान्य सूत्र के द्वारा आपके नामकरण होगा, इसके बिना नामकरण नहीं हो सकता। और एक मैंने जो आपको क्लास में लिखवाया था, नेक्स्ट जो हमारा पीछे वाला लेक्चर था, उसमें कार्बन एक को मेथेन कहते हैं, ये सारा याद कर लो, मेथेन, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, बस आप आठ तक याद कर लो, ठीक है। ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा, ये C5 हो जाएगा, ये C6 हो जाएगा, ये C7 और ये C8 हो जाएगा, ठीक है। पीछे वाली क्लास में देखा था, उसको आप पूरा वापस देख सकते हो। तो इस प्रकार आप इनका नामकरण कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आयुपीएससी और व्युत्पन्न पद्धति के बारे में देखेंगे कि आयुपीएससी में नामकरण किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से आपको जो क्रम है उनको एडजस्ट करना है, किस प्रकार से आपको नंबरिंग देना स्टार्ट करना है, सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हर एक वीडियो की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि ये टेंथ साइंस की क्लास चल रही है तो टेंथ साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा जो अगर मैथ की क्लास चल रही है आपके, तो उन मैथ की भी आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचर के अकॉर्डिंग, जो भी हरीश जी सर और आपके प्रेम जी सर ले रहे हैं। और इसके अलावा जो भी सोशल साइंस के, उसकी भी एक अलग आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट के अनुसार आप उन वीडियो को देख सकते हो, आपको कन्फ्यूज़न कोई नहीं होगा, ठीक है।